तो देखो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड इंस्पिरेशन। तो देखो यारो, किसी वेब सीरीज या मूवी के कुछ सीन्स किसी दूसरी मूवी से मिलते जुलते हैं तो उसे हम इंस्पिरेशन बोलेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। बट पूरा डिट्टो कॉपी करना, मतलब किसी दूसरी मूवी के पूरे सीन्स को अपनी मूवी में उतार लेना, ये गलत है। तो बाबा जी कितने प्रवचन के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के टाइटल से ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवीज की जो या तो इंस्पिरेशन है या फिर पूरी कॉपी की गई है। गाइस 2008 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी गजनी को तो सभी जानते हैं और पसंद भी करते हैं। भाई आजकल तो सभी इसे मुहावरे की तरह यूज करते हैं, अगर गलती से कुछ भूल जाओ तो सुनने को मिलता है गजनी हो काबे। वेल जो भी हो, बट इतनी फेमस होने के बाद भी क्या मेरी बात पर यकीन करोगे कि ये ब्लॉकबस्टर मूवी हॉलीवुड से तालमेल रखती है, आई मीन इंस्पायर है। हाँ, तो आप सबसे पहले इन दो पोस्टर्स को देखो, इसमें से हॉलीवुड की मोमेंटो मूवी 2001 में रिलीज हुई थी और वही हमारे अमीर चाचा की गजनी 2008 में। गाइस इस मोमेंटो मूवी में भी हीरो जो सब कुछ भूल चुका होता है वो अपनी वाइफ के मर्डर को ढूंढ रहा होता है और जरूरी बातों को याद रखने के लिए अपनी बॉडी पर जरूरी इन्फॉर्मेशन को टैटू करता है, बहुत से नोट्स भी बनाता है। गाइस सच में बचपन में मुझे लगता था कि बॉडी पर बने ये टैटू एग्जाम में चीटिंग करने का कोई नया जुगाड़ है। अरे मैथ्स की चिट क्या कर रही है, दो दिन पहले की चिट लगता है हजम नहीं हुई। खैर गाइस जो भी हो, लेकिन इन दोनों मूवीज की स्टोरी लाइन एकदम सेम है, ऐसी थोड़ी ना बॉलीवुड कॉपी करने में आगे है, फिर चाहे सॉन्ग कॉपी करना हो या मूवी। देखो गाइस अब जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ ना, वो मेरे हिसाब से बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन मूवी है। लेकिन गाइस जब मुझे ये पता चला कि इस मूवी के एक दो सीन्स ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मूवी ही कॉपी है तो मेरा दिल टूट गया। हमें असास कर पागल बनाने वाली मूवी धमाल ने हमें पागल बनाया तो उस मूवी से कॉपी करके जिसमें चार बार पागल आता है। मैड 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 1963 में रिलीज हुई इट इज अ मैड 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 वर्ल्ड। यह एक ऐसी मूवी है जिसे देखकर आपको धमाल की याद आ जाएगी। यारो आप यहाँ पर कुछ सीन्स को देख भी लो जिन्हें देखकर आप खुद ही पता लगा लोगे कि ये मूवी कॉपी है या फिर नहीं। बड़ा योद्धा माँ होती है, इस आइकॉनिक डायलॉग को सुनकर आपको पता चली गया होगा कि अब हम किस मूवी की बात करने वाले हैं। कोलार गोल्डफील्ड यानी KGF। यारो इसका चैप्टर 1 तो कमाल था ही, लेकिन इसका चैप्टर 2 भी बवाल है। लेकिन क्या आपको ये पता है किस मूवी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो हॉलीवुड के वीकिंग से इंस्पायर है, और वो है अधीरा। अगर आपने इस मूवी के पोस्टर पर गौर किया होगा तो आपको इन दोनों पोस्टर्स के बीच काफी सिमिलरिटीज दिखेगी, और भाई दिखेगी भी क्यों नहीं, ये पूरा कैरेक्टर हमारे वीकिंग चाचा से इंस्पायर जो है। और ये बात KGF के डायरेक्टर ने भी कही और मूवी ने भी। बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और और यारो अगर हम बात करें इसके बिहाइंड द सीन्स की तो गाइज ये पूरी मूवी KGF जो कर्नाटक में है वहाँ शूट की गई थी। हालांकि बहुत पहले ही गवर्नमेंट ने KGF पर चल रहे काम को बैन कर दिया है, बट फिर भी ये शूटिंग के लिए आज भी अवेलेबल है। और यही होती है वीडियो खत्म। यारो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको ये टकला दोस्त पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।